बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में और ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसी सैंपल बिलोंग्स टू विच स्कूल। अब आपको पता है कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, रोमन स्कूल ऑफ थॉट, ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट्स, वैसे ही बाद के एजेस में आप देखोगे तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स एंड देन अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। तो इसी सैंपल जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है उसकी रिप्रेजेंटेटिव की तरह है, क्योंकि इनके जो वर्क हैं काफ़ी ह्यूमन ज्योग्राफी में वेल रेड हैं। एंथ्रोपोग्राफिक, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफिक, ओके, एंथ्रोपोजियोग्राफिक, ये टर्म एक काफ़ी बार बार यूज में आता है जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो। तो इसको क्वाइन किसने किया था? अब आपको पता है मैन एंड नेचर का रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है रेजियल ने, और रेजियल ने यही एंथ्रोपोजियोग्राफिक टर्म भी क्वाइन किया था, और इसीलिए रेजियल को ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, फाउंडर, एम अगेन, इनको जनक माना जाता है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड रेजियल वर फ्रॉम जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स। बुक पल्स ऑफ एशिया किसने लिखा था? तो पल्स ऑफ एशिया वर रिटन बाय हंटिंगटन। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अब अगेन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखा है? लाब्लाच ने। तो लाब्लाच एंड रेजियल के बीच में काफ़ी मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। अच्छा, एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है लाब्लाच को, लेकिन फाउंडर के टर्म पे एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा कभी है, तो फाउंडर में अगर कभी कभी है तो रेजियल हो जाते हैं, बट फादर है तो लाब्लाच है। तो ये भी फाउंडर और फादर का भी कभी कभी, जैसे मैंने एक टर्म इससे पहले बताया था कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी तरह आप देखोगे रियलिज्म किसने बनाया और आइडियलिज्म किसने बनाया। तो इसमें फिर काफ़ी मतलब थोड़ा माइन्यूट चेंजेस आपको देखने के मिलते हैं कि फाउंडर कौन है और फादर कौन है। तो फाउंडर इज रेजियल, फादर इज लाब्लाच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रिटन बाई लाब्लाच। एंड पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म का जो टर्म है किसने क्वाइन किया था? तो फेवरे ने किया था, ठीक है, ये टर्म क्वाइन किया था फेवरे ने, बट जो स्कूल ऑफ थॉट पूरा का पूरा पॉसिबिलिज्म आया था तो इसको किसने दिया था? वाइडल लाब्लाच ने, ठीक है। तो जो ब्लाच की कौन सा मतलब पूरा इन्होंने पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट ही जो है पॉसिबिलिज्म का ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, और इनकी किताब का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देर आर नो नेसेसिटीज, ठीक है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, चारों तरफ देखो उधर उधर क्या है, पॉसिबिलिटीज ही दिखाई दे रही हैं। ये मैन एंड नेचर के रिलेशन में फेबरे का स्टेटमेंट है, काफ़ी फेमस, उन्होंने कहा था कि मैन एज अ मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, मैन क्या है, वो नेचर को किस तरह से कंकर कर रहा है, और मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड जज ऑफ डियर यूज, तो ऐसा एक स्टेटमेंट है, तो उसको फेवरे ने क्वाइन किया था। नियो डिटर्मिनिज्म को ग्रीफिन टेलर ने दिया था। अब ग्रीफिन टेलर एक एक्सेप्शनल ज्योग्राफर हैं, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी डील होती है जनरली वो रोमन, ग्रीक, होमर, एनेक्सिमेंडर, स्ट्रेबो, उसके बाद में टॉलमी, उसके बाद में जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, एंड उसके बाद मोस्टली फिर डील होता है अबाउट अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ग्रीफिन टेलर, और इन्होंने स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म या फिर नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और ट्रैफिक लाइट वाला इन्होंने एग्जांपल भी दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाज, कंपाज का जो कॉन्सेप्ट है वो विटर्सली ने दिया था, अगेन ये थोड़ा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाज, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट रेजियल ने दिया था, और इन्होंने ही सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी रेजियल ने, एंड रेजियल ने ही एक टर्म दिया था लेबन्सराम, जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। स्पेस एंड टाइम ज्योग्राफी के लिए हैगर स्ट्रेड को याद किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबाउट स्पेस एंड टाइम ज्योग्राफी बाई हैगर स्ट्रेड।